हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता बनाने जा रहे हैं, और वो भी बची हुई ब्रेड से। सुबह की भागम भाग में क्या बनाएं, बहुत लोग सोचते हैं नाश्ते में। तो ये हेल्दी और चटपटा नाश्ता 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। लंच बॉक्स के लिए, सुबह के नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट, फटाफट से बनाएं इस रेसिपी को। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास ब्रेड बची हुई थी, कल की ब्रेड, तो इससे हम नाश्ता बनाएंगे। तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, सभी ब्रेड को हमने कट कर लिया है। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड का पोहा, मसाला पोहा। गैस पर हमने कढ़ाई रख दिया है, उसमें डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल 1 से 2 बड़ा चम्मच, और तेल को गरम होने देते हैं। तेल गरम हो चुका है, तो अब इसमें हम कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। सब्जियों में हमने आलू लिया है, 3 बड़े साइज का आलू था, उसे हमने एकदम बारीक बारीक कट कर लिया है, छील कर धुल भी लिया है अच्छे से। तो उसको हमने तेल में, कढ़ाई में मतलब, डाल दिया है। तो अब इसको हमें कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है आलू को, और बीच बीच में आप इसको चेक करते रहिएगा। तो एक बार आलूओं को हम अच्छे से चला देते हैं ताकि वो जले ना। तो ये देखिए दोस्तों, आलूओं का कलर चेंज हो चुका, एकदम भुजिया जैसा बनकर रेडी हो गया है, और कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। ये शुरुआत में चिपकेगा, पर जब ये लाल होने लगता है तो चिपकता बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं पूरा आलू। पूरा आलू को हमने प्लेट में निकाल लिया है, तो उसी तेल में अब हम कटे हुए प्याज डाल देंगे। अगर तेल थोड़ा सा कम हो जाए तो आप डाल सकते हैं, पर हमने तेल पहले ही एक्स्ट्रा डाला था, इसलिए तेल हमने दोबारा नहीं डाला। 2 बड़े साइज का प्याज था, उसे हमने बारीक में कट कर लिया है। तो प्याज को भी हल्का सा भून लेते हैं कलर चेंज हो जाने तक। तो ये देखिए दोस्तों, प्याज का कलर जो है हल्का सा चेंज हो चुका है। इसको हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि हम इसमें हरे मटर का भी यूज करेंगे, फ्रोजन मटर है ये देखिए। क्योंकि जब इसको हम भूनेंगे तो प्याज का भी कलर डार्क हो जाता है। थोड़ा सा हींग डाल देना है आपको, और साथ में हम इसमें ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची। पोहा जो है हम थोड़ा सा तीखा ही बना रहे हैं, अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं खाना तो हरी मिर्ची का यूज कम कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मटर और मिर्ची को भून लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मटर और मिर्ची भून चुके हैं अच्छे से। तो हम ज़्यादा मसाला वाला पोहा नहीं बनाएंगे, खट्टा पोहा आप इसको कह सकते हैं। अब इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हम इसमें हल्दी पाउडर यूज करेंगे 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और पोहा को हम थोड़ा सा खट्टा और चटपटा बना रहे हैं, तो आमचूर का पाउडर है ये, 1 से 2 चम्मच हम डाल देते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार, नमक थोड़ा सा कम ही यूज करेंगे, ज़्यादा ना डालें। अब इसमें ऐड कर देते हैं हम पनीर, ये थोड़े से पनीर हमारे पास रखे हुए थे, उसको हमने बारीक कट कर लिया है। अब पनीर को फ्राई नहीं करना है, कच्चा पनीर को ही डाल देना है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो बहुत ही हेल्दी पोहा बनकर तैयार होता है ये ब्रेड वाला। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर 1 से 2 मिनट तक हमें अच्छे से भून लेना है, ज़्यादा मसाला भी यूज नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, एक बार हम फिर से और चला देते हैं, अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं जो ब्रेड हमने कट करके रखा है, पूरा ब्रेड डाल देंगे। पूरा ब्रेड हमने कढ़ाई में डाल दिया, जो आलू को फ्राई किए थे वो हम डाल देते हैं। दोस्तों, इतना टेस्टी ब्रेड का पोहा आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो अब सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं, और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार भी हो जाता है। तो इसको हम पूरा मिक्स कर लेंगे।
तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। देख सकते हैं आप लोग, एकदम खिले खिले पोहा बने हैं, टेस्टी भी है। और हमें इसको 1 मिनट तक और अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। दोस्तों 1 मिनट के बाद हम आपको दिखा रहे हैं, हमने इसको चलाते हुए अच्छे से भून लिया है ताकि जो ब्रेड भी है थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। तो इसको हम गर्मा गर्म प्लेट में सर्व करते हैं। तो ये देखिए पूरा प्लेट में हमने इसको सर्व कर लिया है। हम आपको ये पास से दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना टेस्टी पोहा बनकर तैयार हुआ है। अगर कोई मेहमान भी आ जाए उनको नाश्ते में क्या खिलाए, तो आप ये फटाफट बनाकर उनको खिला सकते हैं, वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। ऐसा पोहा तो आप मार्केट में भी जाएंगे किसी दुकान हलवाई के पास तब भी ये नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये ब्रेड की पोहा रेसिपी कैसी लगी है। हम आपके लिए ऐसे स्वादिष्ट चटपटी रेसिपी लाते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय।